हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी, कल कोई वीडियो नहीं आ पाई ड्यू टू सम रीजंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जब आपका जॉइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा तो आपको उसके साथ दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो RRC जो डिवीज़न आपने भरा है उसमें ले जाके सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मैंने ऑफिशियल लिंक खोल रखा है, आप सभी नीचे जा सकते हैं, जो फर्स्ट कमेंट है उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आप ये डाउनलोड कर पाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं ओनली डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगा, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, ये अटेस्टेशन फॉर्म, PVR और ये सब। दोस्तों, अगर पूरा वन बाय वन डिटेल से बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा, तो सो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो गया, बट अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, दोस्तों जो अटेस्टेशन फॉर्म रहता है दोस्तों, ये इसलिए भरा जाता है, मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इंक्लूडेड हैं या आपने कुछ गलत कर रखा है दोस्तों और आपके कोई मुकदमा चल रहा है दोस्तों, तो इसमें आपको पूरा एक्यूरेट जांच जो होती है आपकी उसमें होती है और आपको बताया जाता है इसमें कि आपको ये फील करना है अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं, और अगर ज्वाइनिंग कर लेते तो उस समय से ही आपको दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, आपको वहीं से ही नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। दोस्तों, अब अपन आगे देखते हैं। दोस्तों, इसमें सब प्रॉपर दे रखा है, आपका नाम भरना है, आपका सरनेम, और दोस्तों आप पहले कहाँ रहते थे, फिर बाद में कहाँ रहते, आपका परमानेंट एड्रेस, दोस्तों आपका आधार नंबर, आपकी मम्मी का नाम, अगर आप मैरिड हैं तो दोस्तों आपका क्या स्टेटस है, आप ऑलरेडी कोई से पहले गवर्नमेंट जॉब करते थे या नहीं करते थे, अगर करते थे तो वहाँ से आपने रिलीज ऑर्डर छोड़ा है कि नहीं। दोस्तों, ये सब, और आपके पिताजी पहले कहीं कोई गवर्नमेंट सर्विस दे रहे थे क्या दोस्तों, इसमें वो भी आएगा। और आप दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हैव यू बीन अरेस्टेड, अगर आप पहले लाइफ में कभी भी अरेस्टेड हुए दोस्तों, यस नो, दोस्तों उसका आपको नीचे आंसर भी देना पड़ेगा, आपने कोर्ट के चक्कर काटे हैं कि नहीं काटे हैं दोस्तों, ये सब। और दोस्तों नीचे आपके सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट्स और तारीख और प्लेस दोस्तों, ये सब आएगा। और फिर नीचे आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पहचान प्रमाण पत्र दोस्तों पहचान प्रमाण पत्र दोस्तों आपको इसमें लिखा हुआ है, केंद्रीय अथवा राज्य सरकार से राज परिचित अधिकारी दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट, या दोस्तों आपको जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहता है एक तो स्कूल में भी प्रोवाइडेड रहता है, वहाँ पे भी बनता है, किसी किसी स्कूल में तो बना के देते हैं, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों जो आपके नियरेस्ट जो कोर्ट है, जो RTO ऑफिस रहता है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा अगर आपकी कोई सेटिंग वेटिंग भी हो तो दोस्तों काम हो जाएगा, बट आई थिंक मुझे लगता है कि अधिकतर लोग के आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होते हैं दोस्तों, इतना कोई इशू नहीं आएगा। आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी बनाना है दोस्तों, इसमें आपकी बिल्कुल सिग्नेचर और बिल्कुल प्रॉपर जो एक्यूरेट चीज़ दे गई है कि क्या नाम है, आगे क्या लगाते हैं आप, पीछे आपका पिताजी का नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कितने मंथ के कितने ईयर्स के हो गए दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर एक्यूरेट भरना है आपको डेट। और दोस्तों इसमें लिखा है टू बी फिल्ड बाय द ऑफिस, दोस्तों ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, आपको इस पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो लगेंगे आपको, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों कि जहाँ से आपने लास्ट इंस्टीट्यूशन जो था आपका कॉलेज था, स्कूलिंग किया आपने, आप सभी को पता है कि 10th बेसिस पे वैकेंसी निकली थी, तो अगर दोस्तों स्कूलिंग का हो तो चलेगा, नहीं तो अगर इंस्टीट्यूशन का हो कोई से स्कूलिंग कॉलेज का हो तो दोस्तों आपको वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये हो गया। और सेकंड जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है दोस्तों, दोस्तों सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको आपके जो नियरेस्ट कोर्ट है दोस्तों, जो वकील है, एडवोकेट है, जिससे भी आप बना सकते हैं। और दोस्तों आजकल तो आपको पता है कि साइबर पे भी हो जाता है ऑनलाइन काम, अधिकतर वहाँ पे भी स्टार्ट हो गए, तो दोस्तों उस पे भी बना सकते हैं, आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे। नीचे अपन जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चेकलिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, दोस्तों यहाँ पे नीचे अपन स्पेशली पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, काइंडली नोट दैट इफ़ द अबव डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड योर अपॉइंटमेंट विल बी नॉट डन, दोस्तों अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट किए तो आपका जो वर्क है वो होल्ड पे हो जाएगा, आपका जो सबमिशन है पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स का वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्म में, सबसे पहला अटेस्टेशन फॉर्म इन डुप्लीकेट ड्यूली फिल्ड, दोस्तों जो पहले की मैंने बताया ना आपको सब दोस्तों अटेस्टेशन फॉर्म, और वो दोस्तों आपको ओरिजिनल तो लेके ही लेके जाना है, साथ में दोस्तों उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाना है। सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने बताया आपको एक, और दोस्तों एक आपको दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेंगे वहाँ पे। दोस्तों थर्ड पे लिखा है सिक्स नंबर, दोस्तों फोटो
पासपोर्ट साइज आपके फ़ोटोज़ लगेंगे दोस्तों, एक महीने पुराने, दो महीने पुराने चलेगा दोस्तों, बट अगर तीन महीने पुराने दोस्तों नहीं चलेगा दोस्तों, लेटेस्ट वाला दीजिए। आपको पता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसका हिस्सा बनने वाले, तो दोस्तों बाद में अपडेट नहीं होता है, बहुत प्रोसीजर लगता है उसके लिए। तो दोस्तों अभी आप अगर लेटेस्ट फ़ोटो देंगे तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद और एडवांटेजेस रहेगा। फोर्थ नंबर पर टू कॉपीज़ ऑफ आधार कार्ड दोस्तों, आधार कार्ड सभी के पास है, कोई इशू नहीं आएगा इसमें। टू कॉपीज़ ऑफ पैन कार्ड दोस्तों, थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि 100 में से 80 लोगों के पास, 80 लोगों के पास तो होगा ही होगा आधार कार्ड, पर 20 लोगों के पास नहीं होगा। तो दोस्तों उन सभी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ जाइए साइबर पे या जो भी आपके लिंक हो दोस्तों, जो आपके नज़दीकी हो, जो आपकी पहचान हो, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनवाने का वादा कर सकते दोस्तों, उनके पास जाइए और एक आध हफ्ते में दोस्तों आराम से आ जाता है। अगर उसकी फ़ोटोकॉपी भी होगी तो दोस्तों वो भी चलेगी। सिक्स पे बैंक बुक एंड चेक बुक दोस्तों, चेक बुक तो इतना मैटर नहीं करता है, पर बैंक बुक का जो आपकी पासबुक रहती है दोस्तों, उसकी फ़ोटोकॉपी बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो आपके वहाँ पे जो आपका अकाउंट नंबर रहता है दोस्तों, वो वहाँ पे चढ़ता है, मतलब उनकी डिजिट वहाँ पे इंटर होती है और आपकी जो सैलरी है दोस्तों वो डायरेक्ट खाते में जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर किसी का अभी तक खाता नहीं ओपन है तो दोस्तों प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट ज़रूर ओपन करवाएं। सेवन नंबर पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड कॉपीज ऑफ द सेम दोस्तों, आप सभी को पता है, मैंने अभी ऊपर बताया कि 10th बेसिस पे वैकेंसी थी, तो 10th बेसिस पे जो जो दोस्तों आपका एक तो 10th जो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट होगा, पासिंग ईयर होगा दोस्तों वो, और ITI जिन्होंने कर रखा हो दोस्तों वो ज़रूर लेके जाए, और अगर आपने अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल रखा है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या हो गया है मेरा, कर रही हूँ या हो गया है मेरा, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल भी गलती ना करें, अभी वो फॉर्म ज़रूर लेके जाएं, ज़रूर इसलिए लेके जाएं दोस्तों, जब आगे आपकी प्रमोशनल एक्टिविटी होगी दोस्तों, मैंने बताया था आपका कि टाइम टू टाइम आपका प्रमोशन होता रहेगा, आप जब लास्ट वीडियो चेक करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा है वो 18 मिनट का, पर उसे ध्यान से ज़रूर पढ़ना है, उसमें दोस्तों 17-18 पॉइंट नंबर में लिखा हुआ है कि आपका टाइम टू टाइम जो नॉर्मल बेसिस पे प्रमोशन होते रहेगा। तो दोस्तों इसमें वही जो आप क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी आपका प्रमोशन होता है, तो दोस्तों बहुत एडवांटेज रहेगा, आप ज़रूर वहाँ पे दोस्तों, ग्रेजुएशन कैसा भी हो, डिस्टिंग हो, लर्निंग हो, प्राइवेट हो, रेगुलर दोस्तों कैसा भी हो दोस्तों, ज़रूर लेके जाओ और फॉर्म सबमिट जरूर करें। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, मुझे लगता है हार्डली इतने कुछ टफ डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि जो आप ले जा नहीं सकते, बट आई थिंक मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें। आप सभी को पता है पेनल्टी जारी हो गई है, ज्वाइनिंग लेटर्स भी आ रहे हैं, घर पे डिस्पैच किया जा रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल के थ्रू एड्रेस किया जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे आपके भी जोन का जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आती है RRC के द्वारा मैं वीडियो बनाकर उसे पब्लिश कर दूंगा। और दोस्तों अगर इससे रिलेटेड या अदर कुछ भी रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ कमेंट्स हो या कुछ क्यूरीज हो दोस्तों, प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं एज सुन एज पॉसिबल उन्हें फीडबैक देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा चैनल को लाइक करो यार, कमेंट करो, ज़्यादा शेयर करो, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों दोस्तों, बट एक रिक्वेस्ट जरूर करता हूँ, अगर कुछ कमी रह जाए दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो को डिसलाइक करना मत भूलें दोस्तों, जो मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गलती क्या है और मैं नेक्स्ट टाइम वो बिल्कुल सुधारने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, ये चैनल स्पेशली आपको इन्फॉर्मेशन और हेल्प करने के लिए बनाया गया है, अगर वो इन्फॉर्मेशन वो हेल्प आप तक पहुंच जाती है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। तो थैंक यू सो सो मच दोस्तों वंस अगेन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।